अब इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट है वो चला जाता है पेटीएम मनी को, और ग्रो को यहाँ पर हम कोई पॉइंट नहीं दे पाएंगे। आपको ये फैसिलिटी पेटीएम दे रहा है, ना ही आपको ये फैसिलिटी ग्रो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि पेटीएम मनी को चुनें या ग्रो को सेलेक्ट करें, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों ही डीमैट अकाउंट, पेटीएम मनी और ग्रो, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके आपको एक कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं कि आपको कहां पर अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम 7 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर ग्रो और पेटीएम मनी को कंपेयर करेंगे, और हर एक पैरामीटर में जो बेस्ट होगा उसको एक स्कोर देंगे, एक पॉइंट देंगे, और फाइनली इस तरीके से हमारे पास जो स्कोर बनकर के आएगा उसी स्कोर के बेसिस पर हम कहेंगे कि कौन सा डीमैट अकाउंट इन दोनों में से बेस्ट है। तो इस वीडियो के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपका सारा कंफ्यूजन साफ हो जाएगा, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइज, माई कंपनी चैनल पर आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लगातार इसी तरीके से मिलती रहती है, जहां पर हम चार्जेस, कंपैरिजन वीडियोस, रिव्यूज, प्रोज एंड कॉन्स, डीमैट अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सब्सक्राइब करने से आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहे। बात करते हैं यहां पर पेटीएम मनी और ग्रो के कंपैरिजन को। तो गाइज, यहां पर 7 अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में मैं बात करूंगा, जहां पर कस्टमर केयर, सर्विस, ब्रोकरेज चार्जेस, इनके मोबाइल एप्स, इनके दूसरे अदर फीचर्स के बारे में यहां पर कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं इनके फीचर्स के बारे में, कि कौन सा ब्रोकर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम पेटीएम मनी के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम मनी के प्लेटफॉर्म पर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स तो आपको दोनों ही जगह मिलते हैं, इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ETF आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, IPO भी आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाते हैं। यही सारी चीजें आपको ग्रो के प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाती हैं, SGB, ETF, बॉन्ड, सारी चीजें, IPO, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह आपको ग्रो के प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाते हैं। यहां पर एक चीज जो है वो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे मिसिंग है, उसका नाम है करेंसी एंड कमोडिटी की सर्विस। यानी कि करेंसी और कमोडिटी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ना आपको ये फैसिलिटी पेटीएम दे रहा है, ना ही आपको ये फैसिलिटी ग्रो प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों ही इस फीचर्स के मामले में दोनों ही जो ब्रोकर हैं वो बिल्कुल सेम हो जाते हैं, तो इसलिए हम दोनों को यहां पर कोई पॉइंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर दोनों ही ब्रोकर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट के बाद जो स्कोर हो गया है वो हो गया है पेटीएम मनी 0 पे है, ग्रो भी 0 पर है। सेकंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है एडवांस ऑर्डर टाइप्स का। तो एडवांस ऑर्डर टाइप्स में हम बात करते हैं लिमिट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, इसके अलावा दूसरे भी कई ऑर्डर टाइप्स हम बात करते हैं, जैसे कि GTT ऑर्डर है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। तो यहां पर पेटीएम मनी और ग्रो जो दोनों ही डीमैट अकाउंट्स है, यहां आपको लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर दोनों ही जगह आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा GTT ऑर्डर जो है वो भी आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंस यहां पर आता है कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर को लेकर के। कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर जो है वो आपको पेटीएम मनी प्रोवाइड करता है, लेकिन ग्रो आपको कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से यहां पर जो पॉइंट है हमारा इस ऑर्डर टाइप्स के सेगमेंट में चला जाता है पेटीएम मनी को। पेटीएम मनी का स्कोर हो गया है 1 का और ग्रो जो है 0 पर बना हुआ है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा कस्टमर केयर सर्विस का पॉइंट है। तो गाइस देखिए, कस्टमर केयर सर्विस में दो चीज आती है, एक तो चैट सपोर्ट आता है, एक कॉलिंग सर्विस आती है। यहां पर चैट सपोर्ट जो है वो आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, दोनों के ही एप्लीकेशन में आपको चैट सपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इनके मोबाइल ऐप में कस्टमर सपोर्ट के सेक्शन में, हेल्प एंड सपोर्ट के सेक्शन में जाकर के वहां से इनसे चैट कर सकते हैं, और आप इन दोनों की चैट काफी प्रॉम्प्ट है, काफी जल्दी आपको इनका रिप्लाई मिल जाता है। कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग में गाइस आपको पेटीएम मनी का कोई कॉलिंग नंबर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ग्रो में आपको एक कॉलिंग नंबर भी मिल जाता है। अगर आपको कोई डाउट है ग्रो के बारे में तो आप उन्हें कॉल करके और अपना जो भी आपकी क्वेरी है उसे आप रिजोल्व करवा सकते हैं। तो एक तरीके से कस्टमर केयर सर्विस के मामले में यहाँ पर ग्रो जो है वो थोड़ा सा सुपीरियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉलिंग की फैसिलिटी भी मिल रही है, पेटीएम मनी आपको कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं दे रहा है, इसलिए पेटीएम मनी को यहाँ पर हम कोई स्कोर नहीं दे पाएंगे, जो पॉइंट है वो ग्रो को चला जाता है। तो अब सेकंड पॉइंट के बाद हमारा जो स्कोर हो गया है वो बराबर आ गए हैं दोनों ही ब्रोकर्स, पेटीएम मनी को भी एक पॉइंट है, ग्रो को भी यहाँ पर एक पॉइंट है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है अभी तक, और हमारा जो स्कोर है वो 1-1 पर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं US स्टॉक इन्वेस्टमेंट की। तो गाइस US स्टॉक इन्वेस्टमेंट हमारा नेक्स्ट फीचर है, जो फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रो प्रोवाइड करता है। इनके भी अभी मोबाइल ऐप में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट पर आप जाकर के US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेटीएम आपको ये फैसिलिटी दे ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से अगेन एक पॉइंट और ग्रो को चला जाता है। ग्रो का जो स्कोर है यहाँ पर हो गया है 2 का और पेटीएम मनी अभी 1 पर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो स्टॉक SIP का फीचर है। स्टॉक SIP आप जानते ही, अगर आप 5 से 7 स्टॉक्स की बास्केट बना करके हर वीक या हर महीने उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टॉक्स की SIP करनी पड़ती है, तो वो फीचर आपको यहाँ पर पेटीएम मनी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ग्रो आपको ये फीचर नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर इस सेगमेंट का जो पॉइंट है हमारा वो चला गया है पेटीएम मनी को, जिसकी वजह से स्कोर अगेन टाई हो गया है, 2 पर आ गया है पेटीएम मनी और ग्रो भी आ गया है यहाँ पर 2 पर।
तो यहां तक हमने कुल 5 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब हम मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस मोबाइल ऐप के बारे में बताऊं तो पेटीएम मनी का जो मोबाइल ऐप है उसकी रेटिंग 3.9 स्टार्स है, डाउनलोड्स इसके भी 10 मिलियन के करीब करीब है। ग्रो का जो डीमैट अकाउंट है उनके जो मोबाइल ऐप की रेटिंग है वो 4.4 स्टार है और डाउनलोड्स उनके भी 10 मिलियन है, और इनफैक्ट 10 मिलियन से काफी ज्यादा। यहां पर रेटिंग की बात करें तो ग्रो को अगेन एक पॉइंट चला जाता है, ग्रो का स्कोर हो गया 3 का और पेटीएम मनी अभी 2 पर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं गाइस ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो गाइस ब्रोकरेज चार्जेस में आपको बताऊं, देखिए अकाउंट ओपनिंग यहां पर दोनों ही जगह फ्री मिलती है आपको। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो यहां पर ग्रो में आपको अकाउंट मेंटेनेंस फ्री मिलती है, लेकिन यहां पर पेटीएम मनी जो है वो आपसे अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर नहीं लेकिन प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर 30 रुपए प्लस जीएसटी का मंथली चार्ज अप्लाई करते हैं, जो कि सालाना का बनता है करीब करीब 360 रुपए का। तो इस तरीके से आपको पेटीएम मनी में एएमसी ही देनी पड़ती है, प्लेटफॉर्म फीस जो है वो एक एएमसी ही है, तो आपको पेटीएम मनी में एएमसी देनी पड़ती है, लेकिन ग्रो में आपको कोई एएमसी नहीं देनी है। अब बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की। तो गाइस यहां पर ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर आप पेटीएम मनी में डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हैं तो 2.5% या 15 रुपीज जो भी लोअर होगा वो चार्ज यहां पर अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पेटीएम मनी में इंट्राडे करना चाहते हैं तो 0.05% या 15 रुपीज का चार्ज अप्लाई होता है। इसके अलावा फ्यूचर्स के केस में 0.02% या 15 रुपीज यहां पर पेटीएम मनी चार्ज करता है। करेंसी कमोडिटी आपको यहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑप्शंस के केस में यहां पर 15 रुपीज फ्लैट का पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज चार्ज अप्लाई करता है पेटीएम मनी। कुल मिलाकर के वाइंड अप करूं तो पेटीएम मनी के जो चार्जेस हैं वो 15 रुपीज पर जाकर के रुक जाते हैं, 15 रुपीज पर जाकर के कैप हो जाते हैं। तो ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आप डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हैं तो 20 रुपीज या 0.05% जो भी लोअर होगा वो अप्लाई होता है। इसके अलावा इंट्राडे में अगर आप खरीदते हैं तो वही सेम 20 रुपीज या 0.05% जो भी लोअर होगा वो अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आपको 20 रुपीज फ्लैट का पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का चार्ज पे करना पड़ता है। ब्रोकरेज चार्जेस के मामले में गाइस पेटीएम मनी यहां पर थोड़ा सा बाजी मार जाता है, क्योंकि वहां पर जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 15 रुपीज पर जाकर कैप हो जाते हैं, जबकि ग्रो में ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपीज पर जाकर के कैप होते हैं। अब इस तरीके से यहां पर ब्रोकरेज चार्जेस के मामले में जो पॉइंट है वो चला जाता है पेटीएम मनी को, और ग्रो को यहां पर हम कोई पॉइंट नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से फाइनली जो हमारे पास स्कोर बनकर आ गया है गाइस, यहां पर पेटीएम मनी है 3 पर और ग्रो भी है 3 पर, तो एक तरीके से टाई हो गया है, लेकिन आप इन फीचर्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ग्रो के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको पेटीएम मनी इन दोनों में से सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं, जो मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर के वहां अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। ये दोनों ही डीमैट अकाउंट भी मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स की लिस्ट में है, तो आप इस हिसाब से भी अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस वीडियो खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि हमने अभी एक वेबसाइट बनाई है dmatdive.com नाम से, तो उस वेबसाइट पर हम क्या कर रहे हैं कि जो वीडियोस का कंटेंट है ये आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब होता क्या है, एक्चुअली आपको कई चीजें समझने के लिए तो वीडियो देखनी ही पड़ती है, क्योंकि हम यहां पर वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं उन चीजों को, लेकिन कई बार आपके छोटी छोटी क्वेरीज ऐसी आती हैं जिनको आप पढ़ करके आराम से 10 सेकंड के अंदर ही आपकी क्वेरी को रिजोल्व करवा सकते हैं। तो उन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वेबसाइट पर आपको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करें, तो आप dmatdive.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहां पर हमारा डीमैट डायरेक्टरी का भी एक सेक्शन है जहां पर हमने 15 से ज्यादा डिस्काउंट ब्रोकर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, और हम इस लिस्ट को बढ़ा करके 50 तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो dmatdive.com पर भी आप विजिट जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।